संत वरंदों के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक पचपदरा माननीय मदन जी प्रजापत और हमारे बीच जिला प्रमुख महेंद्र जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश भी चौहान जी और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जोगेंद्र जी और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण और हमारे इतने अच्छे अच्छे कलाकार भाई ओम जी और बहन गीता जी, सरिता जी, हमारे खारवाल और एक छोटी गुड़िया भी बैठी है, ऐसे सभी हमारे वादक और सभी भक्त भाविकों भाइयों और बहनों, मैं आज सबसे पहले हमारे गुरुजी को नमन करता हूँ कि आज यहाँ पर जिस तरह से गौशाला जो स्थापित की और आज इतना बड़ा भव्य आयोजन किया और इसमें इतने सभी भक्त भाविक आए, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आए हुए सभी भक्तों की माँ और हमारे बालाजी सबकी मनोकामना पूरी करे और हम सभी आज जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए, हम सभी गायों के लिए आए और गौ माता के लिए यहाँ पर आए। और मुझे कुछ दो तीन चीजें कहनी है कि जिस माँ के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसके लिए यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज देश के अंदर गायों की ये दुर्दशा क्यों, जो हमारी आज अभी यहाँ पर जिस तरह से हमारे भक्त ओम जी ने जिस तरह से पूरा यहाँ पर गायों के बारे में जो दुर्दशा के बारे में बताया, और उस समय जैसा कि जब उन्होंने दुर्दशा की बात की हम तालियां बजा रहे थे, मुझे ये ठीक है कि हम भजन के ऊपर तालियां बजाते हैं लेकिन दिल में कहीं न कहीं पीड़ा है कि गायों की ये दुर्दशा है और इस दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं मुझे लगता है जो गाय हमारी गौ माता है जिसमें हम 33 करोड़ देवी देवता का वास का कहते हैं, लेकिन वही गाय जब दूध देती है तब तक हम उसके खूंटे के बांध के रखते हैं और जब वो दूध देती है तब उसको बांटा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो जब दूध देना छोड़ देती है तो उसको हम लोगों के लठ खाने के लिए छोड़ देते हैं और लोग कहते हैं कि ये आवारा गाय है। और मैं कहना चाहता हूं आवारा वो गौ माता नहीं है, आवारा वो लोग है जिन्होंने इस मां को छोड़ दिया। हमारी गौ माता जिसके लिए आज यहां पर भजन संध्या रखी गई, गाय के दूध के अंदर कितने गुण है, गाय के गोबर के अंदर कितने गुण है, गाय के गोमूत्र है उसके अंदर कितने गुण है। आज उस गौ माता की जिस तरह से दुर्दशा है तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से हमें सबसे पहले तो घर से शुरुआत करनी चाहिए कि हमें अपनी गौ माता है जिसको कभी पहले तो हमें कभी गौशाला के अंदर छोड़ने जैसी स्थिति भी नहीं आई, लेकिन उसके बाद में जितने भी गौ भक्त यहां पर बैठे मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी गौ माता जिनको आपने यहां पर गुरुजी के सानिध्य के अंदर गौशाला स्थापित की है। तो मैं तो इतना कहता हूं कि सभी जो भी इतने भामाशाहों ने यहां पर जितने भी भामाशाहों ने जितना भी सहयोग किया मैं उन सबको तहे दिल से और मन से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, बालाजी से प्रार्थना करता हूं और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जितना यहां पर दिया उससे 1000 गुना उनके संपत्ति आए और इसी तरह से गौओं के लिए जहां भी गायों की आवश्यकता हो या सेवा के लिए हर समय तैयार रहे। और मैं तो ये कहता हूं कि सेवा करने का भी हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता। और यहां पर मैं आपको यह भी कहूं कि अभी पहले जैसे कहा कि जो दुनिया में अच्छा काम करते हैं उनको लोग याद करते हैं और लोग याद करते हैं और उसका हम इतिहास के अंदर पन्नों के अंदर लिखा भी जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में अगर वास्तव में हमें अगर उसने अच्छा काम किया या नहीं किया उसका आकलन इसी दुनिया में आज तो हमें पता चल जाता है। और आपको पता होगा इसकी अगर आकलन वास्तव में कहां होता है, जब आदमी इस दुनिया से जाता है उस समय अगर आदमी को आपको पता होगा अगर जब उसकी अंतिम यात्रा निकलती है और यात्रा के अंदर जब उसको शमशान भूमि के अंदर जब सब उसके साथ में जाने जो लोग जाते हैं वहां पर अंतिम संस्कार में अगर उसने अच्छा कर्म किया है
तो उसको लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान था, दुनिया से चला गया। और अगर उसने कर्म बुरे किए तो ये कहेगा एक दुनिया में कम हुआ। इसलिए अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। और समाज के अंदर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज हमें ये अवसर है, जितना हम दे सकें गौ माता के लिए देना चाहिए। और दूसरा मैं आपको ये भी कहूं कि आज जैसा कि रामनवमी, आज हमारे विजयदशमी है, और विजयदशमी का पर्व की मैं आप सबको शुभकामना भी देता हूं। लेकिन एक बात हमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस धरती पर पाप, जैसा पाप का घड़े की बात की गई, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो देवता होता है, जो देने वाला होता है, हमेशा उसको देवता कहते हैं। देवता इसलिए कहलाएंगे कि वो देने वाला है, एक देने वाला होता है। और दूसरा वृत्ति का व्यक्ति होता है जो राक्षस वृत्ति का होता है। कुछ लोग इस बात में भी खुशी मनाते हैं कि किसी को देकर खुश होते हैं, तो कुछ कोई लोग कुछ होते हैं लेकर खुश होते हैं। कुछ लोग यहां पर आए हैं, मंदिर के अंदर आते हैं, यहां पर मंदिर में दक्षिणा देकर खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में आने के बाद यहां से चंपल चुराने में भी उनको खुशी मिलती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एक आदमी वो होता है जो खिलाकर खुश होता है, तो दूसरा खाकर खुश होता है। इसलिए हमें यह तय करना है कि हमें किस तरह का व्यक्ति बनना है। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि दुनिया हमें याद करे। और वास्तव में मैं आज इस धरती पर सभी यहां पर जितने भी इस पवित्र धरती पर, वास्तव में कोई ऐसी चमत्कारी ये धरती है जहां पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज इतने सभी गौ माता के लिए आए हैं। मैं आप सबको वास्तव में इतना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आए, और सबने जो आयोजन किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इस बात के लिए भी आप सबको पुण्य का हर अंश मिलता है। ओम जी, आपको पता है आपने जैसा अभी कहा कि मेरे को भी कुछ मिलेगा, चाहे थोड़ा बहुत भी मिलो मिले, देने में दुनिया में दान दाताओं की हर व्यक्ति ये, कोई रक्त देता है, कोई अपना पैसे का दान करता है, कुछ लोग आंखों का दान करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बड़ा दान समय दान है। और सबसे बड़ा जो समय दान है, जो आपने जीवन का कभी वापस वो समय आना नहीं है, आप सब गो माता के लिए इतना अपना समय जो आप छोड़ करो इस माँ के लिए आए हो, तो मैं तो कहता हूं आपने जो दान दिया यहां पर आकर, सबका जो मनोबल बढ़ाया, तो निश्चित रूप से गौ माता आपको ये पुण्य भी यहां आए उनको सबको मिलेगा, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा। इसलिए मैं आपसे इतना ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात ये जरूर कहूंगा कि हम जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, लेकिन कुछ अच्छा करने का सोचें। और अच्छा करने का सोचता है तो निश्चित रूप से भगवान हमेशा उसका अच्छा ही करता है। पॉजिटिव सोच लेकर चलना चाहिए। आपको पता होगा आज इस युग है, इस युग में जैसा मैंने पहले कहा सतयुग और कलयुग, और सतयुग और कलयुग के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कलयुग के अंदर आदमी, और जो जिस तरह से पहले देवी देवता होते थे और भगवान, जिसको हम जो आदमी कोई भगवान कुछ नहीं, इंसान में ही भगवान होता है। और हम मैं तो इतना कहूंगा आपको कि आने वाले समय के अंदर हम कुछ अच्छा करके जाएं दुनिया में, और गौ माता के लिए ये संध्या रखी है। मैं ज़्यादा समय न लेकर मैं तो आपको धन्यवाद ही देता हूँ आप सबको, और मेरे को जैसा कहा गया मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या मैंने दिया? कुछ नहीं दिया। अभी जैसा कि ताली बजा रहे थे कि कुछ पैसा है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है, आपका है, आपको और गौ माता के लिए, गौ माता के, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं। और दूसरा मैं आपको और कहूं एक बात जो धर्म और अधर्म की है, और इस सृष्टि के अंदर आपको पता होगा जब, क्योंकि पाप और पुण्य की बात आती है, तो आपको पता होगा एक बर्बरिक नाम का जो बर्बरिक है, जिसको महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि बर्बरिक, किसी ने नाम सुना होगा बर्बरिक। जब युद्ध के अंदर गया था, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, और कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो बर्बरिक नाम का एक जो भीम का पोता था, और वो जब बर्बरिक युद्ध के अंदर जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था
और उस समय रास्ते में कृष्ण भगवान उनको मिलते हैं और कृष्ण भगवान उनसे मिलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तब वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ युद्ध के लिए जो महाभारत होने वाली है उसके अंदर, तो तुम किसकी ओर से लड़ोगे? तब उन्होंने कहा कि मैं कौरवों की पांडवों की ओर से लड़ूंगा। और जब वो कृष्ण भगवान भी पांडवों के पक्ष में हम सब जानते हैं, लेकिन जब युद्ध हुआ और उससे पहले भरभरी को जब देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे में ये तो सिर्फ तुम्हारे पास तीन तीर है और भरभरी के पास में सिर्फ तीन तीर थे। वो तीर तीन लेकर जब वो निकले, तब कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुम तीन तीर से क्या करोगे? तब उन्होंने कहा कि तीन तीर हैं, उनसे एक तीर से तो मैं पूरे युद्ध भूमि में जितने लोग बैठे हैं उनको मैं वहां पर उनके प्राण हरूंगा, और दूसरे में पहले मैं सबको घायल करूंगा और दूसरे में सबके प्राणों को लूंगा, और तीसरे तीर के अंदर निर्भय होकर मैं युद्ध भूमि से बाहर निकलूंगा। सिर्फ तीन तीर के अंदर उन्होंने कहा मैं पूरे युद्ध को तीन तीर से खत्म कर दूंगा। तब कृष्ण भगवान ने सोचा, परीक्षा ली उनकी कि तुम बताओ कैसे तीन तीर से खत्म करोगे। तब पास में एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के कहा कि इस पेड़ के अगर तुम पूरे छेद एक साथ कर लो तो मैं मान लूं। तब बर्बरिक ने तीर जैसी कमान से निकाला और तीर जैसी कमान से निकालते कृष्ण भगवान एक पत्ता जो जमीन पर पड़ा उसके ऊपर पैर रख देते हैं, और पैर रखते हैं तब उनको पता है कि शायद ये पत्ता बर्बरिक ने देखा नहीं है इसलिए यहाँ तीर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही बर्बरिक ने तीर मारा और तीर मारते ही जो सीधा सारे पत्तों के अंदर छेद हुए, लेकिन कृष्ण भगवान के पैर के अंदर से जाकर उस पत्ते के ऊपर तीर लगा, तब कृष्ण भगवान मान गए कि ये व्यक्ति योद्धा है। और तब कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र चलाते हैं और सुदर्शन चक्र चलाकर और उसको जब सामने सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तब बर्बरिक खड़ा होकर कहता कि मैं धन्य हूं कि मेरे को भगवान आप स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर आज मेरे सामने आए हो, मुझे मेरे का मोक्ष कर रहे हो, इसलिए मैं आपको नतमस्तक होकर कहता हूँ। लेकिन मेरी एक मांग है, और वो मेरी मांग क्या है कि मेरे को, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ, जो कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो मैं देखना चाहता हूँ। और वो जब युद्ध दे उस समय कृष्ण भगवान उनकी बात मानते हैं और उनका जो और वो युद्ध होने से पहले बर्बरिक को वहां पर पहाड़ के ऊपर वो एक स्थान पर ले जाकर उनका सिर रख दिया जाता है जब वो, और उसके बाद में कृष्ण भगवान और वो जो युद्ध है वो बर्बरिक पूरा देखते हैं, और युद्ध देखने के बाद में जब वापस युद्ध खत्म होता है तब वापस कृष्ण भगवान आकर और उनकी मुक्ति करते हैं। तो इस तरह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो उस समय भी सतयुग और जो सत्य और असत्य की बात थी, तो आज भी सत्य और असत्य यहीं पर है, कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि सतयुग और द्वापर युग कलयुग ये युग सब हम आज अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहे हैं, ये गायों की जो दुर्दशा हो रही है, इसी तरह से आज माँ हमारी हर माँ, आज जो जन्म देने वाली माँ है उसको भी कई लोग देखते हैं, अपन कहाँ पर जिस तरह से अनाथालय खोले वहां पर हमारी माँ जो है जन्म देने वाली वो वहां पर ऐसे अनाथालय खोलने पड़ रहे हैं, इसी तरह से गायों के लिए गौशाला खोलना पड़ रही है। हमारे भारत माता के अंदर देश के अंदर खड़े लोग भारत माता को गाली देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोग यहाँ पर कहने वाले लोग आ जाते हैं, तब दिल में दुख होता है, पीड़ा होती है। इसलिए गो भक्तों या राष्ट्र भक्तों हमें खड़ा होना चाहिए, और देश के लिए जहां भी आवश्यकता हो, गो माता के लिए आवश्यकता हो, तो हमें हर समय उनके लिए खड़ा होना, यही मेरा आप सबसे कहना था। आप सभी इतने भक्तभावी को पुनः मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, और हमारे सभी आयोजकों को और सभी हमारी भक्त मंडली और जितने भी गुरुजन हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको चरणों में नमन करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।